जी जी अब्बा, पूरी तैयारी कर रहा हूं, बिल्कुल मायूस नहीं करूंगा आपको। तो जल क्यों रहा है? अब जब पापा जी ने मुझसे उम्मीद लगा रखी है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उनके जहन में। बस बस, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं क्या होगा उनके दिमाग में। एक नंबर के खुशामदी हो तुम दोनों। ये चमचे नंबर एक और ये छोटी चमची नंबर दो, लगाते रहो मक्खन, आएगा एक दिन, मेरा भी आएगा, पूछूंगा भी नहीं तुम लोगों को। कब आएगा भाई? हाँ, जब आप अब्बा के ऑफिस में जूनियर क्लर्क ले जाएंगे, है ना? मुझे नहीं करनी ये क्लर्क की नौकरी, ये अजीब बात है अब्बा की, बड़ा बेटा करे सीएसएस और ये छोटे बेटे को चुन्नी मुन्नी सी कोई क्लर्क की नौकरी, क्यों भाई? मैं तो नहीं करूंगा, एहतजाज करूंगा पूरा। हाँ हाँ, आपके लिए तो 17वें ग्रेड की कुर्सी खाली पड़ी है, वो लोग तो कब से इंतजार करें कि कब फरहाद साहब तशरीफ लाएंगे। तुम दोनों जरा रुको, इसको आज टाइट कर ही दूंगा। हाँ, आ गई तुम चमची नंबर तीन। असल में जो तुम जैसे आम जहन के मामूली लोग होते हैं ना, इनकी जहन की सुई सिर्फ और सिर्फ ऊंचे ओहदों और ग्रेड्स पे अटकी रहती है। मेरी मंजिल कुछ और है। हाँ, हम भी तो सुने, क्या मंजिल है आपकी? बताऊंगा वो भी एक दिन, फिलहाल तुम और फारिया बैठ के ये चटनी और अचारों की रेसिपियां सोचो। ये देख रही हो ना इससे? फिर आ गया सल्लू, मैं जा रहा हूँ, अब्बा को संभाल लेना। बाबा क्यों जा? अब्बा को लग गया पता, बहुत डांट पड़ेगी। तो तुम संभाल लेना ना, वैसे भी चापलूसी में माहिर हो, संभाल लेना तुम। चलो ओके, सही है। देख रही हो ना इसकी हरकतें? तुम क्यों हर वक्त मेरे भाई को तंग करती हो? शौक है मेरा, चटनी बना जाके। जी भाई, दोस्तों से मुलाकात तो हो ही गई। तो वापस आने का क्या प्लान है फिर? जानते हो ना अम्मा सेन तुम्हारे बगैर कितना उदास हो जाते हैं। बस कुछ दिन और लगेंगे भाई जी, एक जरूरी काम आ गया है। जरूरी काम? ऐसे क्या जरूरी काम आन पड़ा? खैर तो है सब? जी सब खैर है, माँ जी को मेरा सलाम और प्यार जरूर दीजिएगा और उनसे कहें कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, और बहाने बहाने से मेरी खैरियत पूछने के लिए आपसे कॉल ना करवाया करें। चलो ठीक है, दे दूंगा तुम्हारे पैगाम। ठीक है, चलो बाद में बात होती है, ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। सही, वो मेहमान आ गए।